मैं आनंद गनपुटे क्रूडल के वीकली एनालिसिस की वीडियो में आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग मंडे को मार्केट ने एक लो दे दिया था और उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा उछल कुचल करते 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 थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड जाते हुए फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है। आपके दो चार ट्रेड उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं इसे आशा रखता हूँ। और टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है ट्रेडिंग स्पेस टीचर के नाम से, ये जैसा आपको दिख रहा है ट्रेडिंग टीचर, ऐसा ही आपको वहाँ पे डालना है, बीच में एक स्पेस डालना है टेलीग्राम के ऐप में, आपको एक चैनल मिल जाएगा उसमें आपको ज्वाइन करना है, उस पर मेरे अपडेट्स आएंगे। हालांकि लास्ट टू वीक से मैं अपडेट्स नहीं दे पाया हूँ वहाँ पर, तो नेक्स्ट वीक से हम वहाँ पर अपडेट देंगे और लाइव कॉल्स वहाँ पर देंगे, ठीक है, और उसमें आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। तो ट्रेडिंग टीचर जो है ये मेरा खुद का है और मैंने इसको 2016 में स्टार्ट किया था, 2019 तक एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अकेला ही मैं चला रहा हूँ इसको। तो क्रूड ऑयल के बारे में जनरली मेरे ज़्यादातर वीडियोस आते हैं, इक्विटी मार्केट के ऊपर भी मेरे कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, कैंडलस्टिक के ऊपर, उसको भी आप देखना ना भूलिएगा अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो, राइट। और मैं इसमें ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, फेस टू फेस ट्रेनिंग देता हूँ, और किसी को ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा ट्रेनिंग का, इसको क्लिक करके आप उस पर एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके आप ट्रेनिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, राइट। तो हम जाएंगे अभी क्रूड ऑयल के एनालिसिस में, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी देखिए मंडे को मार्केट चालू है लेकिन अपना मार्केट बंद रहेगा, मंडे को इंटरनेशनल चालू रहेगा और कौन कौन से कंट्रीज़ में हॉलीडे है वो सब हम वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो ये जो नेक्स्ट वीक जो चालू हो रहा है वो नया मंथ चालू हो रहा है सेप्टेम्बर का, 2 सेप्टेम्बर से लेकर 6 सेप्टेम्बर तक ये हम एनालिसिस का प्रेडिक्ट करने की मैं कोशिश करूँगा, राइट। तो यहाँ पर लाइव चार्ट्स में जाने के लिए आप MCX लाइव चार्ट का जो लिंक है होम पेज पे आता है अपने साइट के ऊपर, राइट, उस पर आप जाकर चार्ट देख सकते हैं। तो इसको मैंने एक अलग तरीके से ऐसे डिज़ाइन किया है चार्ट्स को, जैसे कि ये investing.com का ही चार्ट है, उसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो investing.com में अगर आप जाओगे तो लोड होने में थोड़ा समय लेगा, अपने आप से वीडियो कुछ चालू हो जाएंगे वो इन्वेस्टिंग में, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे और कुछ कमेंट्स भी आएंगे, उससे आपको एक मेंटल सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकता है अपना ट्रेडिंग डिसीजन, तो एक आरामदायी ट्रेडिंग डिसीजन आपका हो जाए और एक अच्छा चार्ट, क्लीन चार्ट आपको देखने को मिले। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक चार्टिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। तो ये बेस मेटल्स हैं, जो बेस मेटल्स में काम करते हैं लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल, ये जो बेस मेटल है इसको मैंने अच्छी तरह से कैटेगराइजेशन करके रखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट देखने को मिल जाएंगे। ये पूरे इंटरनेशनल के हैं और इसको आप फॉलो करके इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में आता है प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। अभी ये गोल्ड नीचे की तरफ दिखा रहा है हमें आवरली चार्ट में, अगर गोल्ड में कोई ट्रेड करने वाला है तो आप उसमें शॉर्ट में जा सकते हैं और वो जो लेवल आएगा वो 1517 तक का, और उसके बाद में 1504 वहाँ पे मार्केट फिर एक सपोर्ट ले सकता है और ऊपर की ओर छलांग मार सकता है, यहाँ से बाइंग मार्केट में आ सकती है। तो इस ये लेवल से थोड़ा सावधान रहें गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, राइट। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है एनर्जी का, क्रूड ऑयल का, यहाँ पे आप सिल्वर का भी देख सकते हैं चार्ट, सिल्वर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो। हालांकि इंटरनेशनल सिल्वर अभी $18 के आसपास कुछ पहुँच गया है, इसकी वजह से हमारा सिल्वर जो है 46,000-47,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। क्रूड ऑयल एनर्जी सेगमेंट में आता है, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये दोनों सेगमेंट यहाँ पर मैंने कर दिया है। और दिसंबर से क्रूड ऑयल मेगा का ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने वाला है, आप उसमें मिनी में ट्रेड नहीं कर पाओगे तो आपको मेगा में ही ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। तो अब थोड़ी सी आपको मेगा में ट्रेड करने की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा ट्रेड करने में झिझक झिझक ना हो, क्योंकि जो लोग मिनी में ट्रेड करते हैं उनको मिनी की आदत हो चुकी होती है, लेकिन जो अचानक से मेगा में ट्रेड करने लगे तो उनको थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल सिचुएशन उसका बिगड़ सकता है। तो अभी से आप मेगा में ट्रेड करना चालू करिए, राइट, एक लॉट पे करिए स्टॉप लॉस के साथ में, ताकि आपको तब तक उसकी आदत हो जाएगी। अगर अभी करंट क्रूड ऑयल का अगर आप हाल देखें तो अभी 55.10 या 16 के आसपास मार्केट है, 55.16 के आसपास मार्केट ने क्लोज़ दिया है अभी,
और जैसे कि लास्ट वीक में मैंने जो बताया था वो लेवल जो है वो उसके आसपास 52 के समथिंग मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा जो लो मारा है वो 52.98 का लो मारा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि कितना लो मारा है, ये जो कैंडल है रेड कलर का 52.98, और फॉरेक्स वाला जो है वो स्पॉट मार्केट का, उसमें थोड़ा सा और भी कम गया था, राइट, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, राइट। तो पहले ही दिन हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है ऐसा हम कह सकते हैं इसमें, उसके बाद में मार्केट ऊपर की ओर चल दिया है। मतलब ऐसा हम ऐसा पक्का पकड़ नहीं सकते कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही होगा, उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, उसका जो चेंजेस वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको ज़रूर दूंगा, राइट। तो अवरली चार्ट के अनुसार अगर हम देखें क्रूड ऑयल को, तो मंडे को हॉलीडे है, फिर यहाँ पे मैंने कैलेंडर भी खोल के रखा है, तो यहाँ पे एक फॉरेक्स का मेन्यू है, वहाँ पे मैंने कैलेंडर लगा के रखा है क्रूड ऑयल का। और अगर कोई फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहता हो तो आप ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करके फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं सीधा $100 के इन्वेस्टमेंट के साथ में, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट वीक का जो कैलेंडर मैंने खोल के रखा है, मंडे को सितंबर 2 तारीख है और कनाडा का हॉलीडे है, लेबर्स डे है, यूनाइटेड स्टेट्स भी क्लोज रहेगा मंडे के दिन, उधर भी लेबर का डे है, इंडिया में गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं मैं देता हूँ, गणपति बापा हमें अच्छी बुद्धि दें और अच्छा ट्रेड करने में सक्षम बनाएं, यही मैं गणपति बापा को विनती करता हूँ, राइट। तो मंडे के दिन जो है वो मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट नहीं रहेगी, आप भी उसमें ट्रेड मत करिए मंडे को, और अपना जो पूरा दिन है वो गणपति बापा के साथ में बिताइए, राइट। तो ट्यूसडे से हम ट्रेडिंग चालू करेंगे उसमें, तो ट्यूसडे को जो मेजर इवेंट है वो एक 2 बजे का है जीबीपी का, तो जीबीपी आईएनआर का जो पेयर है करेंसी मार्केट का, उसमें अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो 2 बजे थोड़ा सावधान रहें ट्रेड करने के टाइम पे, तो उसमें कुछ मूवमेंट अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये प्रीवियस 45.3 वैल्यू है और ये फोरकास्ट जो किया है 45.5 है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जीबीपी के पेयर पे ज़रूर आएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या है क्या है, राइट, कैसा है। शाम के 7:30 बजे के आसपास इसमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा, एक है 7:15 बजे, 7:15 पे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का अगस्त का डेटा आने वाला है, राइट, और 7:30 बजे एक डेटा आने वाला है, इसके अनुसार क्रूड ऑयल में थोड़े से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये डॉलर पे इसका इम्पैक्ट जाएगा, डॉलर पे इम्पैक्ट गया तो सीधा जाएगा क्रूड ऑयल पे इंटरनेशनल के, और उसके ऊपर क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल के ऊपर इम्पैक्ट आया तो M6 पे ज़रूर आएगा। तो ये मूवमेंट का टाइम है, तो इस टाइम पर आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, तो बाय में जाना है सेल में जाना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन आप एक पेन और पेपर पर ये टाइम ज़रूर नोट डाउन करिए कि मंडे को जो है 7:15 पे एक इवेंट है और 7:30 पे एक इवेंट है, उस पर मूवमेंट हो सकता है। तो जाते हैं ट्यूसडे में, ट्यूसडे में रात के 2:30 बजे का मूवमेंट है, वहाँ पे गैप अप या गैप डाउन खोलने की संभावना है उसकी वजह से, राइट। उसके बाद में फिर मंडे को ट्यूसडे को जीबीपी का ही इवेंट अच्छा है, तो इस पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं जीबीपी आईएनआर पे। 6 बजे एक्सपोर्ट्स का डाटा आने वाला है, 6 बजे का USD एक्सपोर्ट का डेटा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बैलेंस का भी डेटा है 6 बजे, तो 6 बजे आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, राइट। ये मंगलवार का है, फिर 18:55 पे एक मीटिंग है FOMC का, विलियम्स का जो भाषण है, कुछ भाषण की वजह से कुछ मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोदी ने भाषण कर दिया, मार्केट चालू है इस वैसे टाइम में, तो उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली मार्केट पर जा सकता है। तो ये 18:55 मतलब 7 बजने को एक 5 मिनट पहले ये इवेंट होने वाला है, तो उस पर थोड़ा सावधान रहें। उसके बाद में 10:30 बजे एक इवेंट है, FOMC मेंबर कशकारी का भी एक भाषण है, तो वहाँ पर भी एक मूवमेंट हो सकता है। तो ये जो टाइम है तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिए अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहोगे तो, राइट। उसके बाद में थर्सडे को नॉन फार्म पेरोल का एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट चेंज का एक डाटा आता है, उसके ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर। अभी हम बोल रहे हैं आर्थिक मंदी है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो ये उसी के रिलेशन में ये डाटा आता है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, राइट। तो 7:45 बजे का ये इवेंट है, 7:45 नहीं 6:45 बजे का
मतलब 5:45 पे ये इवेंट आएगा, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा सतर्क रहें। ये क्रूड ऑयल का एपीआई का वीकली का इन्वेंट्री आता है रात के 2 बजे, और उसके बाद में रात के 8 बजे एक इवेंट आता है। मतलब ये बुधवार के दिन बहुत सारे इवेंट हैं, तो हो सकता है इस दिन बहुत सारे उछल कुछल हो मार्केट में। ये डाटा क्रूड ऑयल के लिए अगर निगेटिव आया तो क्रूड गिरेगा, उसके बाद में इन्वेंट्री क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव आया तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। तो ये बुधवार के दिन थोड़ा सा सावधान रहे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें इस दिन मार्केट में अगर ज़िंदा रहना है तो। 7:30 बजे, 8:30 बजे भी इवेंट है, 7:30 बजे एक इवेंट है, 8 बजे एक इवेंट है क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का, 8:30 बजे आने वाला है इस टाइम पे डेटा, 8 बजे नहीं है, और नेचुरल गैस का भी उसी दिन आने वाला है, तो दोनों साथ साथ में आएंगे। एक 8 बजे आएगा नेचुरल गैस का और दूसरा जो आएगा वो 8:30 बजे आएगा क्रूड ऑयल का, राइट। ये वन बुल वाले जो है इतना मोमेंट नहीं आएगा इसके ऊपर। उसके बाद में हम जा रहे हैं फ्राइडे में, और इस टाइम का जो इन्वेंट्री वो थर्सडे को आने वाला है क्रूड ऑयल का, वेंसडे को नहीं आने वाला है, क्योंकि इस दिन हॉलीडे था तो एक दिन आगे चला गया है। वेंसडे को इन्वेंट्री नहीं आएगा, थर्सडे को आएगा, और वो भी टाइम 8:30 बजे आएगा, राइट। यहाँ पे टाइम डेट एंड टाइम मेंशन करिए आपके पेजों पर। फ्राइडे को ज़्यादा इवेंट नहीं है अभी तो, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। 8:00-6 बजे एक इवेंट है नॉन फार्मा पेरोल का, ये भी बहुत सारा मूवमेंट देगा आपको, और 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा है। तो ये दो इवेंट एक साथ होने की वजह से क्या होता है, मतलब समझ लो कि ये क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव आया तो पहले ऊपर जाएगा और ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव में भी जाएगा। तो दोनों साइड से मूवमेंट पॉसिबल है 6 बजे फ्राइडे को, थोड़ा सा सतर्क रह के काम करिए आप, राइट। अब हम जाते हैं चार्ट्स में कि चार्ट के अनुसार हम कैसा पैटर्न देखते हैं, कैंडलस्टिक हमें क्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो सेल से भरा हुआ कैंडल है आवरली चार्ट के ऊपर, जैसा मैंने बोला था कि चैनल है, तो चैनल में मार्केट यहाँ से बाई साइड में भी जा सकता है, ऐसा भी मैंने बोला था, आई थिंक आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में। तो आवरली चार्ट के अनुसार तो मार्केट तो कम्प्लीटली अप ट्रेंड में नहीं आया है, हालांकि ये जो लो था इसने भी ये ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है यहाँ तक आके वापस यहीं पर आ जाए या ये भी लोड छोड़कर नीचे आ जाए, तो ये सपोर्ट कहलाएगा मार्केट के लिए। 53 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये, और करंट रेजिस्टेंस लेवल है 56.83। मतलब ये देखिए, एक दो, मतलब दो तीन बार इसने मार्केट को, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। अगर ये रेजिस्टेंस सक्षम होता है ऊपर ऊपर की ओर तोड़ने में, तो उसके बाद में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आता है 57.98, मतलब लगभग $58 के आसपास। उसके बाद में ये एक लेवल है 59.41 का, और उसके बाद में लास्ट रेजिस्टेंस 60.15 का अपसाइड में। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे एक है 52-50, इतना नीचे जाएगा कि नहीं हमें पता नहीं, तो देखते हैं डेली चार्ट क्या कहता है, राइट। ये जो चैनल था हमने इसको ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, इस कुछ इस तरह से मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये चैनल ब्रेकआउट है, राइट, कुछ इस तरह मैंने ड्रॉ किया था, तो यहाँ तक जाने का मैंने सोचा था मार्केट को, राइट। आपको याद होगा लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था, तो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है बिना नीचे जाते हुए, अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। तो एक नया चैनल क्रिएट हो रहा है मार्केट में, इसको आप ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये ट्रायंगल से नीचे जाएगा या अपसाइड जाएगा पता नहीं, और ये ट्रायंगल पैटर्न किसी को समझता है भी है या नहीं मुझे पता नहीं है, राइट। तो ये पैटर्न वगैरह कुछ अलग बात है, और ये कैंडलस्टिक की एक अलग खासियत है, राइट। तो ये कैंडलस्टिक अगर आप देखें तो इस टाइम पे इसने नीचे की तरफ सिग्नल दे दिया है, तो एक दिन नीचे जाएगा और इस लाइन के आसपास अगर सपोर्ट ले लिया तो वापस उसी लेवल पे आके यहीं पर खेल लेगा मार्केट। तो कंसोलिडेशन का पूरा इसमें आ सकता है, और मंडे के दिन मार्केट बंद रहेगा अपना, डायरेक्टली ट्यूसडे को अगर खुलेगा तो गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, राइट। तो जो डेली चार्ट के अनुसार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मार्केट है, राइट, और वीकली चार्ट के अनुसार अगर देखें वीकली का कैंडल खुलने के बाद, ये वीकली का कैंडल खुल गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
तो वीकली कैंडल में थोड़ा सा बुल्स हमें दिखाई देते हैं, राइट। और ये मोमबत्ती वाला जैसा कैंडल दिख रहा है, राइट, तो ये मार्केट ऊपर की ओर जाने की संभावना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो हम बाय ऑन डिप्स में जाएंगे इसमें, ये नेक्स्ट वीक में, सेल साइड में नहीं जाएंगे, बाय ऑन डिप्स में जाएंगे। तो बाइंग की जो लेवल है, अगर आपको नीचे के साइड में अगर मार्केट मिले तो बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा कुछ इस तरह के आसपास रहेगा, 56 या 57 के आसपास। ज़्यादा बड़ा टारगेट इस वीक में आएगा कि नहीं हमें पता नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट पूरा कन्फ्यूजन में है। अगर ये कैंडल के वीक्स को अगर आप देखें तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको कोई नीचे की ओर ढकेल रहा है, और नीचे से ऊपर की ओर भी ढकेले जा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड मार्केट रहेगा, और उस टाइम पे कुछ महालक्ष्मी का फंक्शन भी रहता है और गणपति का भी फंक्शन रहता है, तो ज़्यादातर लोग ट्रेड लेंगे कि नहीं पता नहीं, राइट। तो नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा आराम से ट्रेड करिए, और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैं कॉल्स अगर दूंगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ट्रेडिंग और स्पेस टीचर ऐसा टेलीग्राम में सर्च करना है सेम, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्रेनिंग के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, हम बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।